नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। महंगाई की मार झेल रहे बिहार में इन दिनों बालू के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण आप और हम जैसे आम लोग निर्माण कार्य से परहेज कर रहे हैं। बालूघाट बंदोबस्ती की बढ़ी कीमत और बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन से हाथ खींचने के बाद से ही सूबे में बालू की कीमत को लेकर हाहाकार की स्थिति है, जिसके कारण ही बाजार में बालू मनमाने कीमत पर बिक रहा है। आज आलम यह है कि बालू के लिए जरूरतमंदों को 100 CFT 7,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब बालू विक्रेताओं की मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि बालू के दाम में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कीमतों पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू करते हुए बिहार सरकार ने बिहार में हो रही बालुओं के नाम पर कालाबाजारी को रोकने में अहम कदम उठाया है। बिहार सरकार ने पटना समेत विभिन्न जिलों में बेचे जाने वाले बालुओं के दाम तय कर दिए हैं। सबसे पहले बात करें राजधानी पटना की, तो पटना में बालू के दाम अधिकतम 4,000 रुपए प्रति 100 CFT और बाकी सभी जिलों में 3,900 रुपए 100 CFT निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर फिर भी किसी विक्रेता ने सरकार की तरफ से तय किए गए कीमत से ज्यादा की वसूली की तो कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बात साफ की है कि अभी भंडार स्थल और घाट से बालू परिवहन के प्रति किलोमीटर शुल्क क्या होंगे, इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है, जिसको लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इसका निर्धारण जिलाधिकारी और परिवहन विभाग एकजुट होकर कर लेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहारा ने हाल ही में जिलों के साथ बालू की उपलब्धता, कीमत और परिवहन शुल्क को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तृत समीक्षा की है। साथ ही विभाग की तरफ से राज्य भर में मौजूद बालू की विस्तृत जानकारी भी दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग की माने तो 15 जुलाई तक बिहार में 46.26 करोड़ CFT से अधिक बालू मौजूद था। 19 जुलाई की अगर बात करें तो 11.77 करोड़ CFT बालू मौजूद थे। इसके साथ ही जिलावार बालू उपलब्धता को देखें तो वर्तमान समय में पटना और भोजपुर के साथ सारण में सर्वाधिक बालू मौजूद है, जिसे एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में बालू की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। ऐसे में सर्वाधिक बालू के स्टॉक वाले जिलों के DM और खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो दूसरे जिलों के साथ संपर्क करें, ताकि दूसरे जिलों में बालू की कमी की समस्या उत्पन्न न हो रही कमी को खत्म करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा विभाग ने जिलाधिकारियों को प्रति किलोमीटर बालू ढलाई का परिवहन शुल्क का निर्धारण करने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ अब बालू की उपलब्धता की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों में बालू की कीमत को लेकर ज्ञान का अभाव रहा है, लेकिन अब सरकार ने ऐसे लोगों तक सरकार के निर्णय को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग ने जागरूकता फैलाने के लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित करने का आश्वासन दिया। साथ ही इसको लेकर विभाग के प्रधान सचिव ने भी लोगों को जागरूक करने में तेजी लाने की अपील की है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।